Welcome student to digital lecture of Subhash English School. Today we are going to study about mathematics chapter number 13, the longest step, class 2. आज हम पढ़ेंगे the longest step. Longest का मतलब होता है सबसे लंबा steps. Step जो हमारे जो कदम होते हैं उनके बारे में कहा गया है. अब हम lesson read करते हैं. Three friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. Three friends थे, rabbit, elephant और deer. यह क्या कर रहे थे? यह पार्क में खेल रहे थे साथ साथ. Deer says, deer कहता है, let us see who crosses the stone bridge first. Deer says, deer कहता है कि सबसे पहले स्टोन का जो ब्रिज है उसे कौन क्रॉस करता है. एलिफेंट सेस, देखिए यहाँ पिक्चर में एलिफेंट क्या कहता है, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट. एलिफेंट कहता है कि आप दोनों रन फास्ट करते हैं एंड आई मूव स्लोली और मैं धीरे धीरे चलता हूँ. आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट और मैं ये जानता हूँ कि ब्रिज को कौन जल्दी पार कर लेगा, पहले पार कर लेगा. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम, मैं ये गेम खेलना नहीं चाहता हूँ. यस इट विल बी फन, रैबिट से रैबिट कहता है यस हाँ यह एक फन है. डोंट वरी लेट अस मेक ए रूल, वी विल नॉट रन वी विल वॉक. डोंट वरी तुम चिंता मत करो, इसके लिए हम एक रूल बनाएंगे, वह होगा कि हमें इसमें दौड़ना नहीं है, ओनली हमें चलना है. स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देखिए यहाँ पे एलिफेंट डियर और रैबिट क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं. वह कैसे कर रहे हैं, स्टेप्स को बना बनाकर. हम स्टेप्स को क्या करना था, देखिए यहाँ पे एलिफेंट डियर और रैबिट हैं, वह धीरे धीरे चल रहे हैं, वह दौड़ नहीं रहे हैं. दे स्टार्टेड द गेम सरप्राइजली एट द एंड द एलिफेंट वॉन. देखिए दे स्टार्टेड द गेम, वह गेम शुरू करते हैं और सरप्राइजली एट द एंड और इसका अंत क्या होता है, द एलिफेंट वॉन और कौन जीतता है इसमें, एलिफेंट जीत जाता है. कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन, क्या आप कह सकते हैं कि एलिफेंट जीता. हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, किसने बिगेस्ट स्टेप लिया. एक्ट आउट दिस स्टोरी एक्टिविटी. आई सिट हियर आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग. आई सिट हियर यह कहती हैं मैं यहाँ पे बैठी हूँ. आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग और मैं ये फाइंड कर रही हूँ कि जो मेरी फ्रेंड है वह कितनी दूरी पर बैठी हुई है, मुझसे कितनी दूर पर है. यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लड़की है, यह इसकी सामने इसकी फ्रेंड बैठी हुई है और वह पता कर रही है कि यह इससे कितनी दूरी पर बैठी है. मेक अ ग्रुप ऑफ थ्री फोर फ्रेंड्स फाइंड आउट बाय ड्रॉइंग्स लाइन्स हूज स्टेप्स इज द लॉन्गेस्ट. मेक ए ग्रुप ऑफ थ्री फोर फ्रेंड्स, आपको थ्री फोर फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है और फाइंड आउट करना है और लाइन्स को बना बना कर कि ये देखना है कि आप उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप किसका है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अब आपको डिस्टेंस पता करना है दो चीजों के बीच में. पहला है द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास, डोर से विंडो तक की दूरी जो आपको पता करनी है. द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग और ब्लैक बोर्ड से आप कितनी दूरी पर बैठते हैं यह आपको पता करना है. हैंड्स और फिंगर्स, हैंड हाथ और फिंगर्स उंगलियां. रजत वॉन्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए फ्यू थिंग्स यूजिंग दिस हैंड स्पैन, दीज आर शोन इन दिस पिक्चर. देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है कि ये रजत है, रजत नाम का एक बॉय है, वह फाइंड आउट कर रहा है द लेंथ ऑफ द थिंग्स, इन चीजों की लेंथ को पता करने की कोशिश कर रहा है और किस चीज से कर रहा है वह, बाय द हैंड स्पैन, हैंड स्पैन के जरिए वह इन चीजों की लेंथ को पता कर रहा है. पिक्चर में देखिए कैन ही यूज ए हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस थिंग. कैन ही यूज अ हैंड स्पैन, वह क्या यूज कर रहा है हैंड स्पैन को और फाइंड कर सकता है क्या
वह सभी चीजों की लेंथ को फाइंड आउट करने की. विच थिंग अराउंड यू आर लेस देन यूर हैंड स्पैन नेम देम. विच थिंग अराउंड यू, आपके आसपास जो चीजें होती हैं, यू आर लेस देन यूर हैंड स्पैन, जो आपके हैंड स्पैन से छोटी होती है उनके नाम लिखना है. वॉट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग. वॉट वुड यू यूज, आप उन चीजों को नापने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है उनकी चीजों लेंथ को फाइंड करने के लिए. नाउ एक्टिविटी, मेक ए मड हाउस. सी हूज मड हाउस इज हायर. एक मड हाउस बनाना है और आपको मड हाउस बनाना है और सी हूज मड हाउस इज हायर, और आपको ये देखना है कि किसका ऊंचा मड हाउस है. यू कैन यूज यूर फिंगर टू फाइंड हाउ हाई यूर मड हाउस इज. आपको आपके फिंगर्स से फाइंड आउट करना है कि किसका मड हाउस ऊंचा है. यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, एक गर्ल है एक बॉय है, ने मड हाउस बनाए हुए हैं और यह फाइंड आउट कर रहे हैं इनकी फिंगर्स से किसका फिंगर्स, और यह फाइंड कर रहे हैं कि किसका हाउस ऊंचा है. हु मेड द हाइएस्ट मड हाउस, कौन है जिसका मड हाउस ऊंचा है. हुज मड हाउस इज द स्मॉलेस्ट, और किसका मड हाउस छोटा है, इनमें आपको देखकर बताना है. मेक अ गेस. सी दिस टू कोकोनट ट्रीज. आप यहाँ पे देखिए टू कोकोनट ट्रीज हैं. इफ द बिगर ट्री इज 6 मीटर हाई, जो बिगर वाला है जो बड़ा वाला है वह कितने मीटर है, वह 6 मीटर ऊंचा है. अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री. अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री. यहाँ पे देखिए टू ट्रीज हैं, यह 6 मीटर का है और यह से छोटा ट्री है. चेक योर गैस, आपको चेक करना है. गैस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो. जो नीचे थिंग्स दी गई हैं, आपको उनकी लेंथ और हाइट पता करनी है. फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर, और फिर आपको आपके जो आंसर है उससे चेक भी करना है. नेम ऑफ द थिंग्स, आपको यहाँ पे कुछ चीजों के नाम दे रखे हैं. आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखिए और ये टेबल बनी हुई है. देखिए पिक्चर भी है और यहाँ पे टेबल भी है. नेम ऑफ द थिंग्स, माई गैस, आपने जो गैस किया है वो यहाँ पे आपको लिखना है. माई रिजल्ट, अब जब आपने उसको फाइंड किया तो आपको कितना रिजल्ट आया है वह यहाँ पे लिखना है. देखिए एक ग्लास है, ग्लास, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए फिंगर्स, आप गेस करके बताइए कि फिंगर्स कितने हो सकते हैं, कितना फिंगर का एक ग्लास हो सकता है. आप जब उसको मेजर करेंगे तब आपको यहाँ पे लिखना है. आपने जब उसको ग्लास से मेजर, ग्लास पे आपने फिंगर से मेजर किया तो आपको पता करना है और यहाँ पे लिखना है. इसी तरह से बकेट, बकेट आपको मेजर करनी है, वह किससे करनी है, वह हैंड स्पैन से करनी है. बकेट आपको हैंड स्पैन से मेजर करनी है. यहाँ पे आपको अपना गैस लिखना है कि आपने जब गैस किया तो आपने कितना उसको हैंड स्पैन पाया. जब आप सपोज कीजिए आपने उसको 3 हैंड स्पैन पाया और आपको जब आपने उसको फाइंड आउट किया, जब आपने उसको मेजर करा तो कितना हुआ, कभी 4 भी हो सकता है या 3.5 भी हो सकता है, तो वह आपको यहाँ पे लिखना है. अगर 3 होगा तो 3 आपको रिपीट भी कर सकते हैं. योर हैंड, अब आपको हैंड करना है, हैंड मेजर करना है. बाय द हैंड से आपको, अब यहां देखिए हैंड, हैंड को आपको किससे मेजर करना है, मेजस्टिक्स से. यहां पे भी अब आपको गैस करके बताना है कि ये आपका जो आगे का हाथ होता है, हथेली होती है, उसको आपको मेजस्टिक से मेजर करनी है और फिर आपको यहाँ पे अपना फाइंड किया है वो यहाँ पे लिखना है. इसी तरह पे आपको टीचर्स टेबल भी करनी है और वह किससे करना है, टीचर टेबल को हैंड स्पैन से गैस करना है और फिर आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखना है. योर नोज, फिंगर्स लिखना है और यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखना है. वाटर बॉटल कितने फिंगर्स होती है वो यहाँ लिखना है और कितना आया वह यहाँ पे लिखना है. योर हेयर, आपके हेयर की लंबाई कितनी है, आपको हैंड स्पैन से मेजर करना है और पहले आपको गैस करके यहाँ लिखना है और फिर जो मेजर करेंगे वो यहाँ पे लिखना है. Now we see cat's foot, rat or milk. अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है, यह आपको
ड्रॉ भी करनी है और यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखकर इनको बनाना है आपको. यूज योर फिंगर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रेट एंड द मिल्क. फिंगर्स देखिए, यूज योर फिंगर, आपकी फिंगर को यूज करके टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रेट और द मिल्क. आपको रेट एंड द मिल्क, रेट से रेट और मिल्क तक की आपको फिंगर्स को फाइंड आउट कर, फिंगर से फाइंड आउट करना है कि उनकी दूरी कितनी है, आपको यहाँ पे लिखना है. हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द रेट. हाउ फार, वह कितनी दूरी पर है कैट फ्रॉम द रेट. कैट से रेट, कैट से रेट, वह यहाँ पे फिंगर से लिखना है, आपको फिंगर से फाइंड आउट करना है. हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क. हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क. कैट से मिल्क की दूरी पर, मिल्क की दूरी कितनी है वो यहाँ पे आपको फिंगर्स से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है. वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट, द रेट और द मिल्क. वॉट विल द कैट रीच फर्स्ट, कैट कहाँ पे पहले जाएगी वह यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सी जगह पे वह पहले जाएगी. वह रेट के पास पहले जाती है या फिर मिल्क के पास चले जाती है. कैन द रेट सेव इट सेल्फ. हाउ, आपको ये बताना है कि कैन द रेट सेव, रेट किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करेगा, बताइए कैसे. टेल ए स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर, आपको इसकी एक स्टोरी भी बना सकते हैं इसको पिक्चर को देखकर. हाउ लॉन्ग इज द रेट्स टेल, आपको रेट की जो टेल है वह आपको फाइंड आउट करनी है फिंगर्स से, तो यहाँ पे लिखना है. हु हैज लॉन्गर विस्कर्स, द रेट और द कैट. आपको लॉन्गर विस्कर किसकी है, कैट की है या रेट की है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है. इज दैट सो, संजू एंड हर फ्रेंड वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. संजू एंड हर फ्रेंड्स, संजू और उसके जो फ्रेंड्स हैं वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ, और वह क्या कोशिश कर रहे हैं, लेंथ को नापने की कोशिश कर रहे हैं किसकी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की. वो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी लेंथ को वो नापने की कोशिश कर रहे हैं. हियर इज व्हाट दे फाउंड आउट, वहाँ पे यहाँ देखिए आप पिक्चर में कि वह फाइंड कर रहे हैं और देखिए उन्होंने क्या क्या फाइंड करा है. देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर देखिए, माय फेस इज अबाउट वन हैंड स्पैन लॉन्ग, और इसने क्या फाइंड किया कि इसका जो फेस है वो वन हैंड स्पैन लॉन्ग है. माय आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माय लेग, माई आर्म जो मेरी आर्म है वो एक लेग की तरह से नहीं है. माई फॉरहेड इज अबाउट फोर फिंगर वाइड, और यह कहती हैं मेरा जो फॉरहेड है वो फोर फिंगर्स वाइड, फोर फिंगर चौड़ा है. ए डू यू एग्री विथ वॉट दे सेड, क्या आप ये एग्री हैं इनके, इन्होंने जो कहा है. बी चेक हाउ मैनी ऑफ यूर फ्रेंड है, आपको अपने फ्रेंड का देख बताना है. अ फेस वन हैंड स्पेन लॉन्ग, फैन जो है फेस है उसका वन हैंड स्पेन लॉन्ग है. द आर्म एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज द लेग, जो उसकी आर्म है वह एज लॉन्ग एज है. द अ फोरहेड फोर फिंगर वाइड, और जो जो फोरहेड है वह फोर फिंगर वाइड है. सी यू कैन ट्राई द मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विथ योर फ्रेंड विथ योर फिंगर एंड राइट देयर लेंथ. यू कैन ट्राई एंड मेजर, आपको ट्राई करना है और मेजर करना है अदर बॉडी पार्ट्स का विथ योर फिंगर, आपकी फिंगर से एंड राइट देयर लेंथ, और उनकी लेंथ को यहाँ पे लिखना है. पहला योर नोज इज फिंगर लॉन्ग, आपकी जो नोज है वह कितनी फिंगर्स लॉन्ग होती है. देखिए यहाँ पे आपकी थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे अपने मेजर करके यहाँ पे लिखना है. योर ईयर इज फिंगर्स लॉन्ग, योर ईयर आपकी ईयर कितने फिंगर्स लॉन्ग होते हैं तो वह आपको चेक करना है और लिखना है. नाउ वी सी चैप्टर 13 वर्कशीट लॉन्गेस्ट स्टेप. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, हु डज नॉट वॉन्ट टू प्ले द गेम, कौन गेम खेलना नहीं चाहता था. अ रैबिट, बी एलिफेंट, सी डियर.
कौन नहीं खेलना चाहता था? एलिफेंट. क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन ए पार्क. कितने फ्रेंड्स खेल रहे थे पार्क में? 1, 10, 3. राइट आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ग्लास बाय यूजिंग आवर. हम ग्लास की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज से? फिंगर, मीटर और स्केल. तो हम इसकी कैसे मेजर करते हैं? फिंगर से कर सकते हैं. 4 है, रजत फाउंड द लेंथ बाय विच थिंग. रजत फाइंड कर रहा था लेंथ को किस चीज से? ए हैंड स्पैन, बी मीटर, सी स्केल. राइट आंसर इज हैंड स्पैन. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स. पहला है, 4 फ्रेंड वर प्लेइंग इन अ पार्क. 4 फ्रेंड प्ले कर रहे थे पार्क में. गलत. कितने कर रहे थे वहां पे? 3 फ्रेंड्स खेल रहे थे. इसका आंसर है फॉल्स. एलिफेंट वॉन द गेम. एलिफेंट गेम को जीता था. ट्रू. द केट हैज लॉन्गर विस्कर देन रेड. केट के लॉन्गर विस्कर थी देन रेड से, चूहे से. ट्रू. वी यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द थिंग्स. वी यूज हम यूज कर सकते हैं हैंड स्पैन से फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल द थिंग्स. सभी चीजों की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं हैंड स्पैन से. नो फॉल्स. क्योंकि कुछ चीजें बड़ी भी होती है और कुछ चीजें बहुत छोटी होती है. जैसे इरेजर बहुत छोटा होता है तो हम उसकी लेंथ को फाइंड नहीं कर सकते हैं हैंड स्पैन से. क्वेश्चन नंबर 3, मैच. इरेजर, बुक, ट्री, रोड. हम इन चीजों को किस चीज से फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? किलोमीटर, फिंगर, हैंड स्पैन एंड मीटर. अब आपको इससे सही देखकर मैच करना है. इरेजर, इरेजर को हम किस से मेजर करेंगे? इरेजर को हम फिंगर से मेजर करेंगे. बुक हैंड स्पैन से, ट्री मीटर से, रॉड किलोमीटर से. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. पहला है, ब्लैंक वॉन द गेम. एलिफेंट या मंकी? एलिफेंट वॉन द गेम. सेकंड, रूल ऑफ द गेम इज ओनली ब्लैंक नॉट रन. ओनली क्या था? वॉक नॉट रन. थर्ड, द कैट इज 4 फिंगर फार फ्रॉम द वॉटर या मिल्क. मिल्क था वहां पे. फोर्थ, ब्लैंक फ्रेंड हैव ए फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग. 1 और 6. 1, योर नोज इज 3 फिंगर लॉन्ग. योर ईयर इज ब्लैंक 4 फिंगर लॉन्ग. तो 4 या 10 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द बिगर नंबर. विच इज बिगर, देन आपको इसमें चेक करना है और आपको जो सही है उस पर सर्कल करना है. 51 और 81. तो इसमें विच इज बिगर? 81 इज बिगर नंबर. देन आपको यहाँ पे सर्कल करना है. 101 115 115 इज बिगर नंबर. 366 218. तो 366 इज बिगर. 509 और 504. 509 इज बिगर. 450 417. तो 453 इज बिगर नंबर. 450 871. तो 871 इज बिगर नंबर. 100 1000 1000 इज बिगर. 915 820 915 इज बिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द स्मॉलर नंबर. 15 19 15 इज स्मॉलर नंबर. 101 100 100 इज स्मॉलर. 919 200 200 इज स्मॉलर. 300 और 500 300 इज स्मॉलर. 316 413 316 इज स्मॉलर. 613 555 555 इज स्मॉलर. 711 836 711 is smaller. 946 212 212 is smaller number. Question number 7, put the sign greater, smaller and equal to. आपको यह sign put करने हैं. 15 blank है आपको. 17, 15 smaller number है और 17 is greater number. तो जिस जो नंबर बड़ा होता है उस तरह इस तरह से साइन बनता है. यहाँ पे 17 है तो
तो देखिए 17 की तरफ इस तरह से साइन बना हुआ है, तो आपको ये साइन पुट करना है सही देखकर। 101 और 99, तो 101 इज ग्रेटर नंबर 133, 426, 426 इज ग्रेटर नंबर 200 और 119, तो यहाँ पे 200 बड़ा नंबर है और 119 छोटा नंबर है। 723, 724 यह बड़ा नंबर है इसलिए इस तरफ से आया है इसमें साइन। 300 और 300 दोनों तरफ बराबर है इसलिए इक्वल टू साइन लगेगा। 216 और 216 इसमें भी इक्वल टू। 100 और 1000 ये 100 इज स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मिसिंग नंबर। जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। 101 नेक्स्ट नंबर इज नेक्स्ट 102, आपको यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे आपको 102 लिखना है। 103, 104 नेक्स्ट नंबर इज 105, 106, 107, 108, 311 ब्लैंक और ब्लैंक 314, यहाँ पे 312, 313, 314, 350, 360, 17, 18, इसी तरह से आपको लिखना है। 427, 428, 429, 430 यहाँ पे आपको फिल करना है। 431, 432, 433, 723, 724, 725 ब्लैंक है दो, तो यहाँ पे आएगा 726, 727, 728 और 729। क्वेश्चन नंबर राइट इज रुपीज एंड कॉइन्स। आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं या रुपीज दिए गए हैं उनको आपको रुपीज और कॉइन्स में लिखना है। रुपीज 26, रुपीज 38, रुपीज 53 और रुपीज 90। टू नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। अब आपको देखिए यहाँ पे इसमें कितने नोट है 10-10 के, तो 2 रुपीज हैं, 2 10-10 के नोट है इसलिए 10 रुपीज कितनी बार आया इसमें 2, तो 2 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 6 कॉइन। लूज कितने हैं 1-1 के 6, तो यहाँ पे आपको 6 कॉइन्स लिखना है। 3 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। 5 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। नेक्स्ट रुपीज 90, 9 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, यहाँ पे लिखना है 9 नोट हैं 10-10 के। स्टूडेंट ये हमने चैप्टर 13 की वर्कशीट देखी है, आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है। ओके, गुड बाय।